हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अंकित है। हम बशर सुबेज एडियर मूवीज के फनी एक्शन सीन लेकर आए यार। काफी लोग कह रहे थे इस तरह के और भी लाओ, तो ले आए जल्दी। देखते हैं कॉल करते हैं थिएटर एट स्टार्ट एक्शन। इधर तो बालक और आयरन मैन भी कहता होगा यार। आश्चर्य, चमत्कार, अकल्पनीय। तो भाई लोग क्या हालचाल, मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई। तो भाई लोग आज मैं फिर से लेके आया हूँ हमारे चैनल का सबसे सस्ता टॉपिक, फनी एक्शन सीन, लेकिन तुमको मजा आने वाला बेहतरीन। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट जरूर करना, वरना लगेगा मेरा श्राप। जब भी पीने बैठोगे कोई और खा जाएगा तुम्हारा चखना। ये भगवान क्या जुलूम है। तो भैया बिना देरी करे गिनती करते हैं 1 2 3 और देखते हैं हमारे इंडस्ट्री के कुछ फनी एक्शन सीन। मगर कभी किसी को किताब से लड़ते हुए देखा है? नहीं ना। चलो आज मैं दिखाता हूँ। अबे टकलासुर, जब तेरे को पता है कि ना तू मुंह बचा पा रहा है ना तू अपना पेट, तो अपने हाथ को मुंह पे रख, क्योंकि पेट पे तो है चर्बी का ढेर, वहाँ चोट नहीं लगेगी। और अभी तो रुको, इंटेंसिटी और लॉजिक का ढेर होना अभी बाकी है। देखा, अभी तक ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन मैं तुम्हें उसका एक अस्त्र दिखा रहा हूँ, जो कि एक किताब अस्त्र, जिसे केवल ये बंदा कंट्रोल कर सकता है। अरे रुको रुको, अगर अभी तुम्हें ये लग रहा है मैं अपनी जान दे दूंगा मगर मरूंगा नहीं, तो अभी तो तुमने केवल किताब का कमाल देखा है, पेन तो अभी रह गया है। देखो ऐसे खेल तो बंदर भी दिखाते हैं, तो इसके लिए तो कुछ नहीं बोलूंगा। वैसे भी हमारी इंडस्ट्री सर्कस बनती जा रही है, लेकिन ये बंदा पेन से निशाने लगा रहा है। माँ कसम, ये अगर किसी स्कूल का टीचर बना उस स्कूल में से सस्ते जॉन विक निकलेंगे। और भाई किताबों को तो छोड़ दो, हमारे यहाँ तो किसी भी चीज का हथियार बना देते हैं। ना ये दोनों फाइट कर रहे हैं, ये तुम गलत सोच रहे हो। अरे ये तो आपस में डांडिया खेल रहे हैं। म्यूजिक चेंज करूंगा तो समझ में आएगा। बस बस, इससे ज्यादा म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता, समझने वाले समझ जाना। समझ गया बाबूजी। और तो और, ये लोग अपने डांडिया को थोर के हथौड़े की तरह समन भी कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे भाई डांडिया डस्टबिन से टकरा के वापस आई है। हाँ, जब ये लड़ रहा था तो डांडिया बीच में रेस्ट कर रही थी ना। खैर कुछ भी हो, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, हमारे पास है एक से एक सुपर हीरो, क्योंकि वो लोग करते हैं ऐसे ऐसे कांड, चाहे वो जस्टिस लीग चाहे वो एवेंजर्स, अगर वो ये सब देख ले तो फट जाएगी उनकी। छोड़ो छोड़ो, बट एज वी नो कि हमारी इंडस्ट्री में एक हीरो, आई मीन एक सुपर हीरो ऐसा है जो किसी भी चीज को अपना हथियार बना लेता है, बस अपने हथियार को छोड़ के, और वो है हमारे द वन एंड ओनली मिथुन दा। अरे समझना चाहते हो क्या हुआ? एक्चुअली मिथुन दा के सामने एक बैड गाय, और मिथुन दा के पास नहीं है कोई उसे मारने का उपाय, इसलिए मिथुन दा हाथों में घुसवा लेते हैं कांच और बन जाते हैं समुराई। वाह मिथुन दा, वाह, मान गए आपको, हाथ में घुसा के कांच विलेन का कर दिया 3-5। लेकिन एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे हाथ में कांच घुसा है इसे कैसे निकालोगे? ओ भाई मिथुन दा कुछ भी कर सकते हैं, पर भाई लोग मिथुन दा इज द ओनली वन, अगर उनके पास ना भी हो कोई हथियार फिर भी दुश्मनों पे ऐसा करते हैं वार कि सारी चिल्लर पार्टी हो जाती है दुनिया के पार। इतनी
जितनी तेज तो मशीन गन से गोलियां नहीं निकलती जितनी तेज मिथुंदा मुक्के बरसा रहे हैं। और ये देखो मिथुंदा का बिना हथियार वाला खूनी पंजा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेकिन एक बात बताऊं, कभी कभी डायरेक्टर द्वारा हमारे मिथुंदा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? इस सीन में देखो एक ट्रक आ रहा है और मिथुंदा उसे रोकने के लिए लैंडमाइन लगाने लगते हैं। अब तुम्हें पता है लैंडमाइन का काम क्या होता है, लेकिन होता कुछ और है। लैंडमाइन है या डिफेक्टिव माइन भाई, बिना प्रेशर के ब्लास्ट कैसे हो रही है? ट्रक तो इनके ऊपर जा ही नहीं रहा और ये माइन पहले ही ब्लास्ट हो जा रही है। ये रॉन्ग नंबर है। आई नो काफी लोग बोलते हैं भाई तू मिथुंदा को हर वीडियो में ले आता है भाई, बट मेरा उनसे सच्चा प्यार भी है। सच में उन्हें कोई भी मारता है मेरे दिल को बहुत दर्द होता है। अरे जहाँ पन्ना ये कहाँ मार दिया, अब मिथुंदा का तोहफा कबूल कौन करेगा? और भाई ऐसी जगह कौन मारता है? अगर मारना ही था यहाँ मार ले पर वहाँ नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि भाई कुछ लोगों की रोजी रोटी है। तो चलो भाई मिथुंदा का पीछा छोड़ते हैं और किसी और से रिश्ता जोड़ते हैं। इस सीन में देखो ये दीदी कार में बैठी है और इनको बहुत सारी गाड़ियों ने घेर लिया है। दीदी का बचना तो नामुमकिन है, लेकिन तभी होता है कुछ ऐसा। दीदी ने मारुति 800 को बिना ट्रैक के हवा में कैसे उछाल दिया पता नहीं। लड़की होने का यही तो एक एडवांटेज है भाई। मेरे को कभी कभी लगता है कि हमारे इंडस्ट्री वाले समय से 100 साल आगे चल रहे हैं। और नहीं तो क्या भाई, मारुति वाले भी बोलेंगे भाई हमने उड़ने वाली कार बना ली है और हमको पता भी नहीं। और मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि हमारी इंडस्ट्री में एक से एक पावरफुल एक्टर है। इससे तगड़ा कोई होगा तो भेजो। अरे ये तो बस वार्म अप था, असली खिलाड़ा तो अब आएगा। ये सही है भैया, अपनी ताकत दिखाने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स को मारा जाता है। बेचारा बुलडोजर भी बोल रहा होगा मुझे क्यों तोड़ा। आई नो ये वाले भैया साउथ के हैं और मुझे साउथ की मूवी बड़ी पसंद है, क्योंकि वहाँ पे फाइट से पहले काला जादू करना अनिवार्य होता है। नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। क्या मांग रहे? अरे अरे भैया ये लेन देन की बात जाके एक कमरे में करो, देखो पुलिस भी आ गई है और इन दोनों की डेस्परेशन देख रहे हो, हाथों की लकीरें दिखा रहे हैं एक दूसरे को, किसने कितनी घिसी है। इसी के साथ यार नहीं दोगे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जब हम छोटे थे ना हम इस तरह की जब मूवीज देखते थे, क्या स्टाइल है, क्या फाइट है, ये वो, मतलब उस समय इतनी समझ नहीं होती थी वीएफएक्स वगैरह या ये सीधू की इतनी समझ नहीं होती थी, केमिस्ट्री का नहीं पता था। लेकिन अब देखकर वाकई हम अपने आप पर, हम उन पे नहीं हंसते, हम अपने आप पे हंसते हैं यार। अब क्या क्या देखा भाई, वो टाइम टाइम की बात है। आज की जो मूवीज है ना, आज से 20 साल बाद लोग देखेंगे, बच्चे सच्चे देखेंगे, बोलेंगे क्या ये क्या था। फिर उसके 20 साल बाद देखेंगे क्या था। मतलब ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, मतलब अपने लोगों के माइंड सेट के मुताबिक। लेकिन यार रोस्ट वास्ता बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार।